Hello everyone, welcome to this tutorial where we are going to discuss about ChatGPT. ChatGPT जो एक OpenAI tool है वो कैसे अपने रोज़मर्रा की जो काम है उसमें कैसे इसको productivity को increase कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस videos में समझेंगे. कैसे एक मशीन जो कि हमें हम इसको एक इनपुट देते हैं और हमारे इनपुट को लेके ये सारी की सारी चीज़ें अपने आप करके हमें प्रोवाइड कर देती है, राइट. सो इट्स नॉट ए यू नो चैट और रोबोट टाइप यू नो थिंग्स लाइक चैट बॉट टाइप नहीं है. ये अपने आप में एक पावरफुल यू नो न्यूरॉन सिस्टम्स हैं जो कि काफ़ी फेमस है इस टाइम ये, और इस चीज़ को हम लोग समझेंगे इस वाले वीडियोस में, राइट. कि कैसे इस चीज़ को हम लोग अपने डेली जो रूटीन जो भी टास्क हम लोग कर रहे हैं लाइक राइटिंग द ईमेल्स, यू नो करेक्टिंग द सेंटेंसेस, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड यू नो कोडिंग, अगर डेवलपर्स हैं तो कोडिंग जो कर रहे हैं कैसे हम इस चीज़ को ला के अपने कोड रिव्यू में भी देख सकते हैं, पुल रिक्वेस्ट जो भी आता है उसमें भी हम लोग देख सकते हैं. इवन डेवलपमेंट जब करते हैं तो ये आपको कोड जनरेट करके भी दे देता है, राइट. सो ये इतना पावरफुल है. वैसे तो और भी बहुत सारे ओपन AI हैं जो कि यू नो AI टूल्स हैं जो कि अलग अलग यू नो चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं. कुछ चीज़ें हेल्थ डिपार्टमेंट में दे रहे हैं, कहीं पे हम लोग ग्राफिकल चीज़ों में यू नो यूज कर रहे हैं लाइक जनरेट इमेजेस वगैरह जो जनरेट कर रहा है ओपन AI के थ्रू वो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं. बट चैट GPT बेसिकली टेक्स्ट ड्रिवन टूल है, राइट. टेक्स्ट को ही आपको देगा. इसमें कोई भी इमेजेस वगैरह आप यहाँ से नहीं ले पाओगे. मैक्सिमम अगर आप इससे रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे ग्राफ बना कर दो तो वो भी एक ग्राफ आपको एक टेक्स्ट में ही करके वो देगा, राइट. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू यू नो डिस्कस अबाउट द यू नो द नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग हम लोग समझेंगे इसमें. ओके कंटेंट क्रिएशन कैसे होता है ये चीज़ देख लेंगे हम लोग. ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे थोड़ा सा इसके साथ कि कैसे ये काम करता है, राइट. ईमेल ड्राफ्टिंग वगैरह हम लोग एक करके देखेंगे कैसे. इवन प्रोग्रामिंग असिस्टेंस, प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे इस चीज़ को एंड लर्निंग न्यू टॉपिक्स में कैसे इस चीज़ को लाएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे. उससे पहले हम लोग चलते हैं कि इसको किसने डेवलप किया, राइट. तो लेट्स गो टू द विकिपीडिया ऑफ दिस पेज. ओके so once you will write ChatGPT on Google na it will provide you this one, this link on the right hand. You can you know open the Wikipedia. Okay, and you can see ki kitne kaun develop kiya hai usko. To OpenAI hai ek company hai jo ki kahan pe hai ye America mein hai. Okay, and ye hame ChatGPT bana kar isne develop kiya hai jo ki ek open source hai, right. इसका जो पेड वर्जन भी है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, बट ओपन सोर्स वाले जो है इसको फ्री जो वर्जन है उसमें काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है हमें. जैसे ये चैट GPT 3.5 जो भी ये कर रहा है, रिटर्न किस में, पाइथन में ये रिटर्न किया गया है. ओके सो पाइथन के थ्रू हो रहा है. टाइप क्या है, चैट बॉट लार्ज लैंग्वेज मॉडल जनरेटेड प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर. ओके वेबसाइट है इसका ये, जहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी चैट GPT को कैसे ट्रेन करते हैं. ओके कुछ पढ़ लेते हैं यहाँ पे पहले. चैट GPT चैट जनरेशन प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर. ओके इज ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड चैट बॉट डेवलप्ड बाई OpenAI एंड लॉन्च्ड ऑन नवंबर 30/2022. ओके सो 2022 30th November को ये हुआ है. ओके दैट इनेबल्स यूजर टू रिफाइन एंड स्टीयर ए कन्वर्सेशन टुवर्ड्स ए डिजायर्ड लेंथ फॉर्मल स्टाइल लेवल ऑफ डिटेल्स एंड लैंग्वेज सक्सेसिव प्रॉम्प्ट्स एंड रिप्लाइज. ओके सो हाउ इट्स वर्क ये हम लोग देखेंगे उसके पहले, ठीक है. तो चलते हैं चैट GPT की तरफ और वहाँ पर हम लोग इससे बात करते हैं, राइट. सो लेट्स मूव टू द चैट GPT. ओके सो नाउ जो हमने अभी डिस्कस किया था कि हम लोग कुछ इसको टास्क वगैरह करेंगे, तो एज सून यू विल कम हियर यू कैन सी यू नो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी. अगर आप लॉग्ड इन नहीं हो तो आपसे ये लॉग इन करने के लिए पूछेगा. गूगल पे अगर आपका अकाउंट है तो यू कैन नो लॉग इन विद दैट अकाउंट एज वेल. ओके एंड ये डायरेक्टली आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा. ओके सो
अभी यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली देखते हैं तो ये चैट जीपीटी जो है, तो चैट जीपीटी जो फोर्थ है वो पेड है, अपग्रेड टू प्लस। जैसे ही आप करोगे तो ये हमें पेमेंट करने के लिए बोलेगा $20 पर मंथ। और अभी जो हम लोग ये यूज कर रहे हैं ये बिल्कुल ही फ्री है, 3.5। ये कहाँ, ये जो चीज़ें एवरीथिंग इन फ्री, ये यहाँ पे जो ये दे रहा है ये एडिशनल चीज़ें दे रहा है, एडिशनल प्रोवाइड चीज़ें कर रहा है जो कि जिनको ज़रूरत है वो दे कैन यू नो गो फॉर दिस पेड वर्जन। फॉर नाउ फॉर द फ्री वर्जन दिस इज़ गुड एंड वी कैन सी कि कितना इफेक्टिव है, कितना पावरफुल है ये। ओके सो नाउ लेट्स बात करते हैं इससे। सो बिफोर यू नो गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू दिस यू नो चैट बॉट, इट्स ओपन ए आई, जो भी ए आई है ये टूल जो है, इसको हम लोग समझेंगे कि ये एक मेरा एम्प्लॉय है। ओके ये मेरे लिए काम कर रहा है, ना कि आप इसके लिए काम करने जा रहे हो। जस्ट कंसिडर कि इट्स माई यू नो एम्प्लॉय एंड आई एम गोइंग टू यू नो पुट सम इंस्ट्रक्शन टू हिम, राइट? भाई तुम्हें कुछ ये काम करना है, तुम मेरे को करके दो, राइट? सो नाउ हम लोग करते हैं हाई हाउज यू लिखते हैं। ओके देखते हैं क्या रिप्लाई करता है ये। ओके माई नेम इज़ पवन एंड आई एम योर बॉस। ओके नाइस टू मीट यू पवन, हाउ आर यू असिस्टेड टूडे, राइट? सो इसको हम लोग बोलते हैं कि तुम मेरे को, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट सम न्यू वर्क। ओके न्यू वर्क एंड आई हैव कंप्लीटेड माई ओके कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। लेट्स सी क्या करता है ये। दैट्स फैंटास्टिक पवन, कंग्रेचुलेशन ऑन कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, स्टार्टिंग न्यू वर्क, ऑलवेज एक्सेप्ट। ओके सो कैन यू गिव मी सम सजेशंस टू स्टार्ट ए स्टार्टअप। सो ये इतने सारे इसने आपको आइडियाज़ दिए हैं, ओके कि तुम ये कर सकते हो, राइट? मार्केट रिसर्च, आइडिया जनरेशन, क्रिएटिंग ए बिजनेस प्लान, ओके बिल्ड ए प्रोटोटाइप, मिनिमम बिहेवियर, ये सारी चीज़ें दे रहा है, सिक्योर फंडिंग, ठीक है। स्टार्टिंग ए स्टार्टअप इन्वॉल्व सेवरल कीज, ये इसने कीज दिया है अभी कि ये स्टार्टिंग स्टार्टअप जब करेंगे तो ये सारी सारी चीज़ें चाहिए। ओके ओके सो विच काइंड ऑफ बिजनेस आई नीड टू स्टार्ट, जस्ट गिव मी टॉप 5 एरियाज, ठीक है। टेक सॉल्यूशन, ई कॉमर्स, हेल्थ एंड वेलनेस, ये सारी चीज़ें, पांच चीज़ें इसने दिया है हमें कि टेक सॉल्यूशंस वगैरह कर लो। ओके सो इसको बोलते हैं कि मेरे को, ओके सो आई एम इंटरेस्टेड इन इंटरेस्टेड इन ई कॉमर्स लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी इसके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं क्या कितना ये जवाब देता है मेरे को। ओके सो ई कॉमर्स इज अ फैंटेस्टिक फील्ड विद अ वास्ट पोटेंशियल, हेयर आर सम स्टेप्स टू कंसिडर वेन ड्राइविंग इन टू एन ई कॉमर्स स्टार्टअप। ओके सो ये सारी चीज़ें उसने दे दिया है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, राइट? अगर ई कॉमर्स करना चाह रहे हो तो ये सारी चीज़ें करते हो। नाउ यू कैन यू नो गिव सम, यू कैन आस्क सम मोर सजेशंस कि बताओ मुझे इस चीज़ में क्या करना चाहिए, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपको ये धीरे धीरे प्रोवाइड करता जाएगा, राइट?
सो ये रहा ब्रेनस्टॉर्मिंग जो हम लोग कर रहे थे। अब ये इससे पूछते हैं कि ओके थैंक्स, नाउ टेल मी हाउ यू गेट द डेटा एंड रिस्पॉन्ड मी द आंसर। ओके सो आई डोंट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द इंटरनेट और रियल टाइम इंफॉर्मेशन ट्रेंड। आई हैव बीन ट्रेंड ऑन अ डाइवर्स रेंज ऑफ डेटा रिसोर्स फ्रॉम द बुक्स वेबसाइट आर्टिकल्स एंड अदर टेक्स्ट अवेलेबल अप अंटिल माई लास्ट अपडेट। ये भी बताएगा ये। सो ये कह रहा है कि जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैंने बुक्स वेबसाइट्स आर्टिकल एंड अदर टेक्स्ट अवेलेबल अप अंटिल माई लास्ट अपडेट, मतलब 2022 जनवरी तक का ये डेटा, इसको जो भी प्रोवाइड किया गया था, इसको जो टीच किया गया था। सो ये आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो AI टूल जो होते हैं, मशीन लर्निंग के थ्रू ही कंप्लीट किए जाते हैं, राइट। सो इसको हम लोग टीच करते हैं, इसको हम लोग जितना डेटा, वी कैन से कि एक डेटा साइंस है जहाँ पे डेटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं और डेटा को बाइंड करके इसको प्रोवाइड करते हैं मशीन को, और उसको टीच करते हैं कि ये दिस काइंड ऑफ डेटा आई हैव एंड यू हैव टू कैलकुलेट इट एंड यू हैव टू गिव मी द आंसर अकॉर्डिंगली। ओके सो नाउ आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ, जैसे आप ले लो कि मैंने एक डेटा तैयार किया है, उस डेटा में कुछ फीमेल है, कुछ मेल है, उनके एजेस हैं, राइट, एज हैं, और उनका पासिंग मार्क है ग्रेड ए ग्रेड बी, राइट। अब इतने सारे डेटा जो मैंने दिया है, 30 डेटा दिया, उसमें मैंने एक रूल्स एल्गोरिदम लिखा है कि जो भी अगर वो होगा तो मुझे तुम उसके तरीके दे दोगे। तो वैसे ही वो एक 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 मॉडल हो गया, वो उस मॉडल को मैंने वो किया, टीच किया कि तुझे ये इस तरीके का रिजल्ट देना है। वैसे ही ये जो चैट जीपीटी है, वैसा ही एआई टूल है, इसको भी वैसे ही प्रोवाइड किया गया है, बट ये काफ़ी पावरफुल है। ओके इतना पावरफुल है कि अभी जो डेवलपर्स वगैरह जो हैं, जो कंटेंट राइटर्स हैं और भी लोग हैं जो कि डायरेक्टली गूगल पे जाके जो सर्च कर रहे थे, अब उनको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीधे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं और ये अपने आप ला के दे देता है। तो ये काफ़ी पावरफुल करके, और ये मतलब डे बाय डे और ये पावरफुल होता जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि हम लोग इसको टीच कर रहे हैं, हम लोग जो सर्च कर रहे हैं इसको, वो डेटा इसको मिल रहा है, और ये अपने आप में ऐसा एल्गोरिदम है, न्यूरो सिस्टम जो बोलते हैं इसको, वो मिल रहा है, और वो अपने आप इसको डेटा कलेक्ट करके हमें वो दे रहा है रोज़ का रोज़, राइट। तो ये हो रहा है। ओके नाउ व्हाट वी कैन सर्च है कि हम लोग देखते हैं कि ईमेल कैसे लिखता है। ओके सो व्हाट आई कैन टेल हिम, राइट मी, राइट मी एन ईमेल अबाउट, राइट मी एन ईमेल टू टू माई फादर या टू माई बॉस रिगार्डिंग माई इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट राइट मी एन ईमेल टू बॉस रिगार्डिंग माई इंक्रीमेंट्स, राइट मी नहीं लिखो, यहाँ पे लिख दो राइट, ठीक है, राइट ईमेल टू बॉस रिगार्डिंग माई इंक्रीमेंट विच इज नॉट सेटिस, ठीक है, सेटिस्फाइड, ओके एज पर माई करेंट हार्डवर्क। अब देखो ये सारी इतने मैंने इंस्ट्रक्शन इसको दिया है, देखते हैं कैसे करता है ये। ओके अब देखो ये क्या कर रहा है, ये आपको ये मेल लिख के दे दिया इसने। ओके अब जो आप अपने दिमाग में रख रहे थे कि मुझे ये चीज़ लिखने थे, ये वर्डिंग यूज करने थी, ये पैराग्राफ यूज करने थे, वो अगर आपके मन में है तो यू कैन राइट योर सेल्फ, बट यहाँ से हेल्प ले सकते हो।
कुछ जो वर्डिंग है, जो सेंटेंसेज है, या एज इट इज आप इसको करेक्ट करके डाल सकते हो, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। इसको अभी बोलते हैं हम लोग क्या क्या करना है तेरे को, ठीक है। सो अब क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट टू रिव्यू ऑफ इंक्रीमेंट। ओके, अब देखते हैं। आई एम राइटिंग टू डिस्कस द रिसेंट इंक्रीमेंट दैट वॉज प्रोवाइडेड टू मी। फर्स्टली आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ माई एफर्ट्स एंड कंट्रीब्यूशन टू टीम। हाउएवर अपॉन रिव्यूइंग द इंक्रीमेंट आई couldn't help but feel that it was not aligned with the level of dedication and hard work I have put into my role over the past year. अब देख लो आप ये, ठीक है। Throughout this period I have consistently strived to go above and beyond my responsibility. ये पूरी की पूरी कहानी इसने लिख के दे दिया। ओके, नाउ इसको अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप बोल सकते हो, कैन यू शॉर्ट दिस ईमेल एंड एज वेल मीनिंगफुल ठीक है, कैन यू शॉर्ट लिखना था, शॉर्ट SHORT होगा ना, SHO, शॉर्ट दिस ई मेल एंड एज वेल मीनिंगफुल ठीक है। अब देखो इसने शॉर्ट कर दिया है, इसने जो इतना बड़ा सा मेल किया था उसको और सॉर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे और बोल सकते हो क्योंकि मुझे इतना भी बड़ा नहीं चाहिए, मेरे को और सॉर्ट करो, मोर सॉर्ट प्लीज। मतलब ये देखो कौन सा चाहिए आपको, रिस्पॉन्स वन और रिस्पॉन्स टू, इतना पावरफुल है ये कि इसने दो चीज़ें लिख दी। अब आप पढ़ लो यहाँ पे कि इसको क्या चाहिए आपको। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो ये ले सकते हो, इधर वाला अच्छा लग रहा है तो ये लिख सकते हो, राइट। ये देख लो, आई एम ग्रेटफुल टू रिसीव द इंक्रीमेंट बट आई फील इट डजंट फुली रिफ्लेक्ट टू एफर्ट्स इन्वेस्टेड। आई हैव कंसिस्टेंटली गॉन बियॉन्ड माई रोल कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू अचीवमेंट। आई वॉज होपिंग फॉर ए मोर अलाइंट एक्नॉलेजमेंट। देखो कितना सिंपल, मतलब उस बहुत बड़े लाइन को वो करके इसने बहुत शॉर्ट कर दिया। अब इससे भी शॉर्ट क्या करना है, राइट, ईमेल में। तो मतलब एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट भी जाएगा बॉस को कि ये क्या कहना चाह रहा है, और एक ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है उनको, उतनी राम कहानी जो ऊपर लिखी पड़ी है ना, इतनी सारी बड़ी चीज़ें वो करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट। तो ये हो गया ईमेल कंटेंट राइटर। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं कि इसको एक कंटेंट राइटिंग के लिए देते हैं, राइट। तो अभी क्या है कि जैसे कोई भी यूट्यूब वगैरह चैनल कर रहा है या कहीं भी, या आप वेबसाइट कर ले लो। ओके, वेबसाइट में हम लोग SEO पर्पज़ से कुछ भी करते हैं, राइट। तो बहुत सारे फील्ड में गाइज ये जो ChatGPT है वो हेल्प कर रहा है, राइट। नॉट ओनली इन द डेवलपमेंट एरियाज, इट इज़ हेल्पिंग टू कंटेंट राइटर, इट इज़ हेल्पिंग टू यू नो SEO पर्सन हु इज डूइंग द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फॉर द वेबसाइट टू पुश द वेबसाइट ऑन द टॉप ऑफ द गूगल वाइल यू सर्च इट, राइट। तो ये सारी चीज़ें को इतने सारी चीज़ों को हेल्प कर रहा है। वो कैसे कर रहा है मैं दिखाता हूँ आपको, राइट। तो ये तो हो गया ईमेल का। ओके, आपने ईमेल का एक सिंपल इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे एक ईमेल लिख दे, ओके, एंड वो कर दो। ओके, अब देखते हैं, कुछ भी इससे पूछ सकते हो आप। मतलब आप इससे एक टाइटल भी मांग सकते हो कि मुझे एक टाइटल बना के दे दे यार, मेरे को एक टाइटल चाहिए। ओके, देखो, आई वॉन्ट टू पोस्ट पोस्ट अ टाइटल फॉर माई पिक्चर, ठीक है, पिक्चर ऑन फेसबुक। आई वॉन्ट टू पोस्ट अ टाइटल फॉर माई पिक्चर ऑन फेसबुक, ठीक है। राइट मी, प्रोवाइड मी ए टाइटल फॉर माई डेनिम शर्ट लुक विद सम गुड इमोजी। अब देखो क्वेश्चन मार्क देते हैं इसको कि तू करके दे मेरे को डेनिम वाइब्स टूडे, मोर ऑप्शंस प्लीज। थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं इसको, कितना काम कर रहा है हमारा, राइट। अब देखो क्या किया इसने, रॉकिंग द डेनिम स्टाइल,
डाल सकते हैं हम फेसबुक पे, है ना, डबल डेनिम चिक, डेनिम लव, राइट, डैपर इन डेनिम, डेनिम डेज आर द बेस्ट डेज, राइट। कुछ भी, मतलब किसी भी एरियाज में आप अपना पर्सनल यूज के लिए भी कर सकते हो, राइट, कहीं पे भी कुछ टाइटल डालना है, कुछ भी करना है तो वो डाल सकते हो, राइट। अब चलते हैं हम लोग कंटेंट राइटर के लिए, ओके। सो कंटेंट राइटर क्या करता है कि वो एक आर्टिकल लिखता है, राइट, या कुछ भी करता होगा, राइट। तो सपोज कि मुझे एक आर्टिकल लिखना है फ्लावर्स पे, करेक्ट, लाइक जैसे आप ले लो मुझे सैमसंग पे, सैमसंग जो गैलेक्सी नो मेरा है ना, राइट मी अ ब्लॉग फॉर माय, ओके, राइट मी अ ब्लॉग फॉर, ब्लॉग ऑन गैलेक्सी एक्टिव वॉच 2। देखते हैं क्या करता है ना, पावरफुल है कि नहीं, देख लो आप। मतलब मैंने बस एक रैंडम क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में अभी, ये भाई तू मेरे को करके दे। अब ये देखो, ये इसने एक बढ़िया सा ब्लॉग लिख के दे दिया ये, ओके, अनलॉकिंग द पावर ऑफ कनेक्टिविटी सैमसंग गैलेक्सी, ये अब अगर आप इससे खुश नहीं हो तो इसको आप रीजनरेट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये आपको मतलब देता रहेगा, राइट। अगर आपको नहीं खुश हो सो इसको यहाँ पे लिख सकते हो कि आई एम नॉट हैप्पी विद एबव रिजल्ट, कैन यू प्रोवाइड मी द बेस्ट ब्लॉग, एब्सोल्युटली, लेट्स डाइव डीपर इन टू गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2, ठीक है। सो यू कैन यू नो कंपेयर दिस थिंग्स विद द एबव रिजल्ट, कि क्या उससे बढ़िया इसने दिया है, आप हैप्पी हो, अगर हैप्पी हो तो यू कैन यू नो टेक दिस एंड यूज़ दिस फॉर योर ब्लॉग, राइट। तो ये इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, राइट, आप जो इससे आउटपुट जो चाह रहे हो, आप कितना, मतलब आप कितना इसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कितना हेल्प कर रहे हो कि ताकि ये आराम से आपके चीज़ों को दे दे ला के यहाँ पर, राइट। तो ये चीज़ था, राइट। अभी जो मैं मेन चीज़ जो करने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखते हैं कि इसने क्या किया है, ये टेबल फॉर्म में भी दे सकता है, राइट, जैसे मैं आपको करता हूँ आईफोन 14 प्रो विज आईफोन 15 प्रो इन टेबुलर फॉर्म, कैन यू राइट द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, देखते हैं क्या करता है। ये देख लो, मतलब आप समझ रहे हो कि कितना ये पावरफुल है, ये टेबल को भी दे दिया हमें बनाकर, राइट। इसने ये जो भी है, इसने एक डिटेल दे दिया। अभी क्या होता है कि आप गूगल पे जाते, किसी दूसरे वेबसाइट पे जाते, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलता, राइट, तो टाइम टेकिंग है वो, राइट। आप 4-5 वेबसाइट पे क्लिक करते कुछ, फिर जाके स्क्रॉल डाउन करते, फिर देखते, दैट इज़ गोइंग टू टेक यू ऑलमोस्ट यू नो 15 मिनट्स और 30 मिनट्स टू फाइंड दिस यू नो डिस्क्रिप्शन, राइट। ये तुरंत मेरे को 2 सेकंड में ही दे दिया इसने, जैसे ही मैंने इसको इनपुट मारा इसने मेरे को दे दिया, राइट। तो ये कितना सही है, राइट, है ना। अभी क्या करते हैं कि कैन यू प्रोवाइड मी ए DFT डाइग्राम, वैसे देखते हैं ये डाइग्राम देता है कि नहीं, लेट्स सी, मुझे नहीं लग रहा है देगा, ये आप दे भी सकता है DFT डाइग्राम, कैन यू प्रोवाइड मी ए DFT डाइग्राम फॉर सॉफ्टवेयर फॉर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, ठीक है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, देखते हैं क्या कहता है। सो बेसिकली
ये ट्राई मतलब देखो इन्हें माइक्रोसॉफ्ट आर्किटेक्चर है डेटा डेवलपमेंट, ठीक है। द फ्लो डेटा में वेरियस माइक्रोसॉफ्ट एंड एक्सटर्नल एंटिटीज, हियर इज अ सिंप्लीफाइड रिसोर्स, ये यहाँ पे दिया इमेज नॉट फाउंड, बट क्योंकि ये इमेज देता नहीं है, राइट। ये मतलब DFD नहीं बना सकता, ये एक टेक्स्ट टाइप का वो है, राइट, AI टूल है, और वो सिर्फ टेक्स्ट को ही हमें प्रोवाइड कर सकता है, कोई इमेज वगैरह नहीं दे सकता, राइट। तो ये चीज़ है। अब चलते हैं कोड लेवल पे, सी कोड लेवल पे कैसे काम करता है, राइट। सो डेवलपमेंट में अगर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं तो एक मैंने वो रखा है, कोड रखा है, ओके, जो कि एक रेक्टेंगल का कोड है, जो कि कोड लिखा हुआ है, और इसमें कुछ गलतियाँ हैं, ओके, इसमें कुछ गलतियाँ हैं, और इस गलतियों को हम लोग देख सकते हैं कि कैसे। तो इस कॉपी करते हैं इस पूरे कोड को, और यहाँ पे पेस्ट करके पूछते हैं इससे व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है, इन एवव कोड, रिफैक्टर इट। लेट्स सी। सो द इशू इज इन द कोड इज दैट इट लैक्स प्रॉपर इनकैप्सुलेशंस एंड सेपरेशंस ऑफ कंसर्न्स। द एरिया कैलकुलेशंस क्लास इज डायरेक्टली एक्सेसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल क्लास विच ब्रेक्स द प्रिंसिपल्स ऑफ इनकैप्सुलेशन एंड कैन लीड टू इशूज इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द रेक्टेंगल क्लास चेंजेस। टू रिफैक्टर दिस वी कैन इंट्रोड्यूस गेटर गेटर यू नो मेथड इन द रेक्टेंगल क्लास टू एक्सेस दी। तो ये इसने बना के दे दिया हमें, ओके। सी, सो नाउ द रेक्टेंगल क्लास प्रोवाइड्स गेटर मेथड, गेट वाइड्थ एंड गेट हाइट, ये सारी चीज़ें दे दिया। तो ये देखो आप, इसको लिया हमने, यहाँ पे डाल दिया, राइट। इसको अगर रन करना है तो रन भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे रन होता है, ओके। देखो इसने दे दिया ना 50, रेक्टेंगल हमने डाला था 5 और 10, और इसने वो करके कैल जो क्लास था वो हाइट और वर्थ करके दे दिया इसने, राइट। सो हाउ इजली इसने अभी क्या किया कि कोड को रन किया अपने टूल पे, और इसने चेक कर लिया वहाँ पे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और इसने प्रोवाइड भी कर दिया हमें यहाँ पे कि ये सारी चीज़ें जो आपके कोड में था, ये जो हमने अभी ऊपर दिया था इस कोड को, है ना, प्रॉब्लमैटिक कोड जो हमने दिया था, इसको इसने अपने रन किया, इसने जो इसका प्रिंसिपल जो होता है, राइट, वो उसने देखा यहाँ पे, एंड उसने देख के यहाँ पे बताया कि ये सारी चीज़ें जो हैं कमी हैं, और इस कोड में आपको ये कर लेना चाहिए, राइट। इस कोड को मैंने लिया सीधे यहाँ पे कॉपी किया है, पेस्ट कर दिया है, और इसको मैंने जब रन किया तो ये सिंपली इसने मेरे को एक आउटपुट भी दे दिया, राइट। तो यू कैन सी कि कितना वो पावरफुल है, राइट। अगर किसी को वेबसाइट बनाना है, ओके, तो उसमें HTML पेज होता है, राइट, उसमें कुछ CSS भी होते हैं, राइट। सो वो HTML और CSS ये कुछ करके आपको दे सकता है, वो भी करने के लिए मैं बता देता हूँ आपको कैसे करते हैं, राइट। सो यहाँ पे लिखते हैं हाय, आई एम प्लानिंग टू क्रिएट माई ऑन, ठीक है, सिंगल, सॉरी, ऑन सिंगल पेज वेबसाइट, ओके, वेबसाइट इन HTML, सिंगल पेज स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट। कैन यू प्रोवाइड मी द कोड विद द हेडर फुटर साइडबार एंड मेन्यू प्लीज, ठीक है, देखते हैं क्या करता है। ये देखो इसने पूरा का पूरा जनरेट कर दिया है, ओके, जो भी मैंने इसको इंस्ट्रक्ट किया है वो सारी चीज़ें इसने यहाँ पे ऐड करके दे दिया विद CSS।
ठीक है, इसको मैं अगर रन करता हूँ यहाँ पे, ओके यहाँ पे मैंने सेव किया इसको और मैंने इसको सेव कर लिया है, ओके इसका मैं नाम लिख देता हूँ बाई चैट जीपीटी, ओके ये देखो भाई चैट जीपीटी आ गया है ये, ओके अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ, ओके सो देखो जो जो इसको मैंने बोला था राइट, कि मुझे एक साइड बार चाहिए, ठीक है सेक्शन वन और सेक्शन टू दे दिया इसने, ये यहाँ पे जब भी मैं क्लिक करूँगा तो ये शो करेगा यहाँ पे योर वेबसाइट हेडर, हेडर दे दिया इसने और ये दे दिया इसने, इसको मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ मेन्यू भी चाहिए, ओके कैन यू करेक्ट द कोड, तो देखते हैं क्या कहता है ये, ओके इसको बोलते हैं कि मुझे मेन्यू भी चाहिए, आई वॉन्ट अ मेन्यू विद द लोगो प्लीज, आई वॉन्ट मेन्यू ठीक है होम ए बॉट ठीक है प्रोफाइल विद लोगो प्लीज, देखते हैं क्या करता है ये, ठीक है दोबारा ये दे रहा है मेरे को, दोबारा राइट कर रहा है कोड को, ओके आप किसी सेक्शन को भी बता सकते थे, इसने योर लोगो PNG भी डाल दिया यहाँ पे, ओके चलते हैं इसको कॉपी करते हैं इस कोड को पूरा यहाँ पे डालते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या चेंजेज आया है यहाँ पे, ओके ये देखो ये जो लोगो था इसने दे दिया यहाँ पे, ओके होम पेज ये था हमारा, अबाउट ये था, प्रोफाइल ये था, कुछ चेंजेज उसने किए हैं जो कि हम लोग उसको देख के कर सकते थे यहाँ पे, अभी उसने जो दोबारा जो चेंजेस दिए थे वो सिर्फ नेविगेशन का दिया था, तो हमें इसी कोड में उस चीज़ को चेंज करना चाहिए था, ना कि हमें इसके पूरे के पूरे कोड को ले जाना चाहिए था, जैसे कि ये मैंने क्या किया है पूरा का पूरा ये जो स्टाइल है इसका पहले वाला मैंने हटा दिया था और इसी चक्कर में ये पूरा का पूरा स्टाइल इसका बर्बाद हो गया, राइट सो प्रॉब्लम यही थी, बहुत सिंपल है, इसको इंस्ट्रक्ट करना होता है कि कैसे आप चीज़ों को बताओगे मेरे को, कैसे मैं हैंडल करूँगा ये सारी चीज़ें, तो ये देखो मेन्यू वगैरह इसने दे दिया होम अबाउट प्रोफाइल, जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारी चीज़ें लोगों भी दे दिया है यहाँ पे ये सारी चीज़ें राइट, तो ये तो हो गया सिंगल नो पेज, अगर इसको मैं चाहूँ तो ये मेरे को किसी चीज़ में भी करके दे सकता है राइट, रिएक्ट जेएस में भी करके दे देगा मुझे, अगर इसको मैं बोलूँगा कि मुझे एक एप्लीकेशन बना के दे राइट, जो कि कैन यू राइट द एवब कोड इन रिएक्ट रिएक्ट जेस ऐप, ठीक है अब देखते हैं क्या करता है, इसने बोला ठीक है मैं कर दूंगा, अब चेक करो आप, इसने एक रिएक्ट का ऐप बना दिया है राइट, उस रिएक्ट के ऐप में इसने फाइल बता दिया कि ये फाइल है इसमें जाके ये कोड डाल दो, ठीक है ये CSS है ये CSS को डाल दो और ये जो लोगो है ये रिप्लेस करके इसको रन करो, ठीक है जैसे ही मैं इसमें जाऊंगा और इसको मैं रन करूंगा तो ये चल जाएगा, मेरा मेरा वेबसाइट रेडी है विद द एप्लीकेशन रिएक्ट जेएस के साथ राइट, सो ये इतना पावरफुल है ये, इसको मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे और भी बता सकता हूँ, ओके थैंक्स राइट, नाउ मेक सम पार्ट डायनामिक, ओके माई नाउ मेक सम पार्ट डायनामिक्स लाइक वॉन्ट टू फेच प्रोफाइल डेटा फ्रॉम डेटाबेस, अब देखते हैं क्या करेगा ये, देखो पूरा का पूरा कोड इसने लिख के दे दिया ये, ठीक है रिएक्ट जेएस में ये देख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा इसने जो दिया है अभी फेच डेटा राइट, ये सेट प्रोफाइल डेटा कर दिया, मॉक प्रोफाइल डेटा मॉकिंग करके ये लेके आएगा और यहाँ पे इसने डाल भी दिया है राइट, तो ये डायनेमिक कर दिया इसने प्रोफाइल आपका स्टैटिक जो था, तो इस तरीके से ये इतना पावरफुल चीज़ है जो हमें प्रोवाइड कर रहा है, कोड लेवल पे भी हेल्प कर रहा है राइट, ये कोड को एप्लीकेशन बनाकर ही दे रहा है, ये पूरा का पूरा आपको कोड रिव्यू भी कर रहा है राइट, ये सारी चीज़ें ये करके दे रहा है हमें, ओके हमें एक इसने ब्लॉग भी बना के दिया हमें, हमने इससे कुछ इंस्ट्रक्शन मांगा था कि मुझे मेरे बिजनेस में कैसे बूस्ट करना है, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है मेरे को बताओ कुछ आइडियाज़ दो, तो इसने आइडियाज़ भी दिए हैं आपको,
एक हमने ब्लॉग भी लिख के दिखाया आपको, इवन हमने एक ईमेल राइट भी किया। ईमेल राइट जो इसने किया, पहले वर्जन में इसने बहुत सारे कंटेंट दे दिए थे, उस कंटेंट को क्या किया हमने, उस कंटेंट को सही किया। अब जैसे ग्रामेटिकली मिस्टेक करते हो आप, राइट, सो उस ग्रामेटिकली मिस्टेक को भी ये दूर करेगा, राइट। वो कैसे करेगा मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये तो एक मैंने वो रख रखा था अभी, जैसे ये देखो इसमें जो लिखा हुआ है ना, कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक है। कैन यू करेक्ट द एबव, कैन यू करेक्ट द एबव कंटेंट विद प्रॉपर विद द राइट ग्रामर एंड, ठीक है, ये ग्रामर का मिस्टेक जो है, राइट ग्रामर एंड मेक इट मीनिंगफुल, ठीक है। अब देखते हैं क्या करता है ये, इस चीज़ को दे दिया इसने। ओके, ऑफ कोर्स हियर इज द रिवाइज कंटेंट विद द प्रॉपर ग्रामर एंड पंक्चुएशन, राइट। अब ये देखो, एज ए AI लैंग्वेज मॉडल इट्स इंपॉर्टेंट टू राइटिंग सेंटेंसेस विदाउट एरर। आई थिंक दैट मेनी पीपल्स इंजॉय लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस बट देर कैन बी चैलेंजिंग समटाइम्स। ओके, सो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, पढ़ेंगे इसको, पढ़ते हैं। मैनी पीपल इंजॉय लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस बट इट कैन बी चैलेंजिंग एट टाइम, करेक्ट। ग्रामर एंड पंक्चुएशंस आर क्रूशल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लास्ट वीकेंड माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू द पार्क। कितना ईजी लग रहा है ना, काफ़ी मीनिंगफुल लग रहा है, ठीक है। देख ये देखा, मी एंड माई फ्रेंड्स, सो लास्ट वीकेंड माई फ्रेंड्स एंड आई, तो दिस इज द करेंट यू नो राइट ग्रामर इट हैज़ यूज्ड, राइट, कंपेयरिंग द एबव सेंटेंसेस, राइट। तो इसको हमने बोला कि भाई मेरे को करेक्ट करके दे दे, इसने करेक्ट करके दे। अब किसी से भी आप ये टेस्ट करवाओगे तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। ओके, सो ऐसा नहीं है कि ये, अगर आप इससे बोलोगे कि और इसको करेक्ट कर तो और भी चीज़ें करके देगा, रेक्टिफाई करके देगा ये, वो एक दूसरे तरीके से उसी वर्ड को यू नो उसी वर्ड को जो उसका मीनिंग है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके डिफरेंट सेंटेंसेस में देगा, जो कि मीनिंग एक ही होगा उसका, राइट। तो इतनी सारी चीज़ों को एक सिंगल टूल करके दे रहा है, तो हमें क्यों नहीं इसको यूज करना चाहिए, राइट। जिस चीज़ के लिए हम लोग यू नो कंटेंट राइटिंग के लिए या SEO करने के लिए, राइट। अब SEO कैसे कर सकता है, हाई नाउ आई वॉन्ट टू डू SEO फॉर माई वेबसाइट, देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। तो ये देखो, ये दे दिया इसने, प्रोवाइड मी सम गुड टाइटल्स, ठीक है, एंड कीवर्ड्स फॉर गूगल सर्च, देखते हैं क्या कहता है ये। ओके, ये देखो इसने टाइटल्स दिया है, इसने कीवर्ड्स भी दे दिया है कि इस ये कीवर्ड्स को आप लोग आप अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हो। सो इतनी सारी चीज़ें ये वो दे रहा है, राइट। कितना हेल्प कर रहा है हमें, राइट। चार पांच लोग जो बैठते हैं किसी ऑफिस में इस चीज़ को करने के लिए, वो सिंगल ये एक टूल ये करके दे रहा है हमें, राइट। तो कितना मतलब इफेक्टिवली हम अपने काम को बूस्ट कर सकते हैं विद यू नो लेस ऑफ यू नो ह्यूमन्स एक्चुअली, राइट। ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि इसके आने से जॉब में कटिंग तो हुई है, राइट। जैसे मैं जो आपको बताना चाह रहा था अभी, कि जो काम अभी एक ह्यूमन कर रहा था उसको अभी ये मशीन कर रहा है, राइट। जो कि एक मॉडल है, ये लैंग्वेज मॉडल तैयार किया गया है, वो टेक्स्ट प्रोवाइड करता है और ये कुछ भी हम इसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ये हमें दे रहा है, राइट। तो जो जॉब अभी कर रहा था कंटेंट राइटिंग का या रिव्यू या जो भी डिप्लॉयमेंट का जो कोड कर रहा था, वो सब सारी चीज़ें अब क्या कर रहा है, SEO का बंदा ये काम करने जा रहा है। बट यहाँ पे ध्यान देने की वाली बात ये है कि यू रिमेंबर कि जब कंप्यूटर का रेवोल्यूशन हुआ था, यहाँ पे कंप्यूटर जब डेवलप्ड हुआ था, न्यू मार्केट में आया था, तो उस समय जब कंप्यूटर को यू नो इंडस्ट्रीज़ में
अडॉप्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल्स जो थे वो काफ़ी, और जो वहाँ के जो कर्मचारी थे वो काफ़ी हंगामा कर रहे थे कि नहीं मैं ये नहीं करने जा रहा इसको यूज़, ये बहुत सारे यू नो ह्यूमंस के लिए प्रॉब्लम होगा, जॉब में कमी होगी, ये एक कंप्यूटर जो है 10 बंदों का काम कर देगा, राइट। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें उस समय हुई थी, यू नो काफ़ी हंगामा हुआ था। बट ऐसा नहीं है कि आज अगर हम देखते हैं तो कुछ भी चीज़ें जब नई चीज़ें आती हैं तो वो एक सारी बहुत सारी चीज़ों को लेकर भी आती है, राइट। सो जो ये प्रेडिक्ट करके वो जो दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है, वो एक्यूरेट भी ही नहीं हो सकता है। आई एम टेलिंग यू यस, वो एक्यूरेट भी नहीं हो सकता। उसको करेक्ट करने के लिए एक ह्यूमन की हमेशा ज़रूरत होगी, और इसको इंस्ट्रक्ट करने के लिए भी, राइट, कि हमें कुछ करके दो, उसको चेक कौन करेगा, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, राइट। तो प्रोडक्टिविटी जब बढ़ रही है तो यू नो सामान भी ज़्यादा हमें बनाना पड़ेगा, राइट। और जब अगर सामान ज़्यादा बनाना पड़ेगा तो एक बंदा भी हमें चाहिए उस चीज़ को चलाने के लिए, है ना। तो इस तरीके की रिकमेंड्स जो है इन फ्यूचर आने वाली है, राइट, कि इसको ड्राइव, जो मॉडल जो तैयार किया जा रहा है, सबसे पहले तो उसको डेवलप करने के लिए डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ओके, जो काफ़ी डेटा साइंस टाइप के नो पीपल्स होंगे, दोज डेवलपर्स, राइट, दे विल हैंडल, दे शुड नो अबाउट द मैथ, दे शुड नो अबाउट द डेटास, और यू नो दे शुड नो अबाउट द प्रोग्रामिंग्स, राइट, एंड लॉजिकल चीज़ होगा ये काफ़ी। तो इसको डेवलप करने के लिए भी डेवलपर्स के चाहिए। अब जब डेवलप करके आप किसी सॉफ्टवेयर को देते हो किसी भी लोगों को, कंपनी को यूज करने के लिए, राइट, तो उनको बनाना पड़ता है कि ये चीज़ें हैं, ये इतना ही रिस्ट्रिक्टेड है, इसके अलावा ये काम नहीं कर सकता, करेक्ट। तो वहाँ पे भी ये जो ओपन एआई है, जो ये अपना हम लोग जो अभी चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, इसका भी एक लिमिट है, उस लिमिट के बियॉन्ड वो नहीं जा सकता है, राइट। तो प्रोडक्टिविटी में तो ये काफ़ी आगे हैं ही, प्रोडक्टिविटी तो हमें प्रोवाइड कर ही रहा है, राइट। इसको चलाने के लिए भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो कोई इसको इंस्ट्रक्ट करेंगे और उसी तरीके से डेटा लेके आएंगे, राइट। सो गाइज, फॉर दिस यू नो ट्यूटोरियल आई हैव रिटन एन आर्टिकल ऑन दिस, ओके। अगर आपको समय मिले तो आप लोग प्लीज़ यू नो गो टू माई ब्लॉग्स, दैट इज़ ऑन codewithpavan.medium.com, ओके। यहाँ पे प्लीज़ फॉलो मी, आई विल वेरी वेरी हैप्पी टू सी यू कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, एंड जो भी मैं नया कुछ लिखता हूँ तो वो आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा ईमेल के थ्रू, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने चैट जीपीटी के बारे में जो भी बताया था, अभी चैट जीपीटी कैसे काम करता है, क्या करता है, कैसे इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, राइट। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कैसे इंस्ट्रक्ट करना है। आई एम फेसिंग ए टाइप एरर, कैन यू हेल्प मी, उसी तरीके से मैं इसको इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि मुझे ये बताओ, और एक तरीके से ऑर्डर दे रहा था मैं इसे, और ये मेरा काम करके दे रहा था, राइट। जैसे ये हाउ डू आई इम्प्लीमेंट फ्यूचर एक्स, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चंस एक तरीके से जितनी भी चीज़ें इसको बोलेंगे क्वेश्चन ही डालेंगे इसको। आई हैव ए बिजी डे टुमारो, व्हाट ऑन माय शेड्यूल, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये करके देता है, और इसके साथ हम लोग ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, अगर क्योंकि ये ज़्यादा हेल्थ सेक्टर में नहीं है, बट हाँ अगर इफ़ यू विल कंपेयर टू गूगल, यू नो गूगल विल गिव यू द रिजल्ट्स, राइट, एंड उसके बाद जाएंगे उस पर अंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कुछ नहीं पता, बट ये चैट जीपीटी आपको इंस्टेंटली 2 सेकंड्स में उस चीज़ को दे रहा है। तो स्टैक ओवरफ्लो पे जो हम लोग पहले जाते थे वहाँ पे हम लोग देते थे, है ना, कोरा पे हम लोग जाते थे और देखते थे कि कोई आंसर कर रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें जो सर्च कर करके क्लिक कर करके करने का जो वो जो था ना सिस्टम, वो ख़त्म हो गया। अब चैट जीपीटी पे लोग वो कर रहे हैं, राइट। तो चैट जीपीटी की तरह और भी टूल्स गूगल ने भी डेवलप कर दिया है, राइट, बार्ड आ गया है, राइट, माइक्रोसॉफ्ट ने खुद अपना वो यूज कर रहे हैं वो लोग, है ना। तो ये सारी चीज़ें कंपटीशन, जो ये मशीन लर्निंग की जो कंपटीशन जो आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कंपटीशन आ गया है सभी एज में, वो काफ़ी यू नो गवर्नमेंट जॉब्स को भी प्रोवाइड करने वाला है, राइट। ऐसा नहीं है कि जॉब कटिंग करेगा ये, नो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, दिस विल हैपन, बट इन द रिजल्ट इट विल ऑल्सो गिव यू मोर जॉब्स, राइट, जो कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, ओके। सो गाइज, दिस इज़ माई यू नो यूट्यूब चैनल, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ओके।
और इस YouTube चैनल पे आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे को, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियोस बनाता हूँ तो आप लोगों को मेरा वीडियोस का नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप उस चीज़ को देखते रहे. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर कनेक्टिंग. बाय बाय, टेक केयर.